Welcome or welcome back to my YouTube channel. It's Pasha Thakur and if you are new here, don't forget to subscribe to my channel. आपको मेरी शक्ल देख के पता लग रहा मैं अभी अभी सो के उठी हूँ जस्ट. तो आज हम जा रहे हैं आउटिंग. सो हमने ना कुछ किया है. मतलब जब मैं अभी घर गई थी, आपने मेरे घर वाले ब्लॉग्स देखे होंगे, तो हमें सिर्फ 8 दिन की छुट्टी बची थी. तो 8 दिन की छुट्टी के बाद 28 को हमें आना था वापस कॉलेज, बट 29, 2030 की हमने मास बंक मारा था और हमने किसी को नहीं बताया था. कॉलेज में किसी को भी नहीं पता था कि क्यों नहीं आए, और हमारी क्लास से एक भी बच्चा नहीं आया था, एक भी बच्चा. ना हमने इन्फॉर्म किया था, ना हमने हॉस्टल में इन्फॉर्म किया था, ना हमने कॉलेज में इन्फॉर्म किया था. तो मास बंक मारा था और उसके बाद हम 31st को सब आए थे और 1 से हमारे क्लिनिकल स्टार्ट थे. तो हमें नहीं पता था कि हमें कुछ पनिशमेंट इतनी बड़ी मिलेगी, क्योंकि हमें लगा था कि जब सब बच्चे नहीं आएंगे तो शायद पनिशमेंट छोटी मिलेगी, अगर कुछ बच्चे नहीं आएंगे तो पनिशमेंट बड़ी मिलेगी. ठीक है, तो हम लोगों को पनिशमेंट मिली. हम लोगों की मेकअप ड्यूटीज़ लगी, तो 4 मेकअप ड्यूटीज़ लगी. चलो वो तो कर ली हम लोगों ने. हमें अपॉलॉजी लेटर लिखना पड़ा, हमें फ़ाइन पड़ा, साथ में हमारा 2 मंथ का नाइट आउट कैंसिल हुआ और 1 मंथ का आउटिंग कैंसिल हुई. ठीक है, तो अभी 1 मंथ कंप्लीट होने में कम से कम 1 हफ्ता बचा है, बट हमें पता नहीं कैसे आज आउटिंग मिल गई है क्योंकि आज जन्माष्टमी है. हैप्पी जन्माष्टमी यू ऑल. सो आज जन्माष्टमी है, हमें आउटिंग मिल गई है एंड हमने सोचा अभी 3-2 निकली है, रिलीज हुई है, हमने सोचा आज हम मूवी देखने जाएंगे. शिमला में मैं पहली बार मूवी देखने जा रही हूँ गाइस. सो आई एम ड्रिंकिंग चिया सीड्स वाटर दीज डेज एंड प्लीज़ डोंट माइंड कि मैंने किसमें चिया सीड वाटर वो किया है, मतलब सोको ने रखा है. मुझे अच्छा लगा ये तो मैंने रख लिया. बट इट्स वेरी स्लाइमी अगर आप इसको च्यू करने की कोशिश करोगे तो, बट मैं तो स्वेलो ही कर रही हूँ पहले. सुपर्स का हम बाद में देखेंगे कि डालना है कि नहीं डालना है, कि कौन सा डालना है. बाकी हम डिसाइडिंग टू वियर दिस टैंक टॉप अंदर से ब्लैक कलर का, बाहर से दिस शर्ट, क्योंकि आज बारिश दिखाई है तो उसके लिए ताकि ठंडा ना हो. एंड दिस लॉन्ग स्कर्ट विच हैव अ स्लिट ओवर हेयर यहाँ पे. सो या दैट्स माई OOTD. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच माई OOTD वीडियो इन शॉर्ट्स, क्योंकि मैं हमेशा बनाती हूँ जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ. सो या अब तैयार होके मिलते हैं गाइस. रेडी एंड अभी भावना उन रेडी हो रहे हैं, वो रेडी नहीं हुए हैं और हमारी बस छूट गई है एज यूजल. सो अभी मैं ना बाल काट रही थी अपने, मैंने उसकी शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, बट जल्दी जल्दी के चक्कर में कि बस ना छूट जाए मैंने थोड़े ज़्यादा शॉर्ट कर दिए अपने बाल. मतलब ठीक लग रहे हैं, इतने भी बुरे नहीं लग रहे, पर ज़्यादा शॉर्ट हो गए. मुझे इतने शॉर्ट नहीं चाहिए थे क्योंकि आजकल अभी क्लिनिकल ड्यूटीज चली है तो बाल बिल्कुल वो चाहिए होता है, स्लीक्ड चाहिए होता है, ताकि कोई भी आगे फ्लिक्स वगैरह ना निकले. सो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी मुझे, बाकी तो ठीक है, मतलब छोटे भी अच्छे लग रहे हैं. लेट्स सी, पहले तो मैंने बाल खुले रखे थे क्योंकि लेट हो गए थे. अब देखती हूँ अपने बालों को कुछ करके, अगर कुछ अच्छा बनता है तो कर लेती हूँ, नहीं बनता तो फिर ऐसे ही चलेंगे. ओ आई हैवंट शोन यू गाइस माय OOTD. सो दिस इज माय OOTD. हाँ दिस इज माय OOTD. ये आउटफिट मैंने अपने एग्जाम टाइम पे पहना था, बट उस टाइम मैंने कोई भी फोटोज़ वगैरह नहीं लिए थे, वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी. सो आई थॉट कि एक बार फिर से पहन लेती हूँ एंड इस बार फोटोज़ वगैरह लेंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे. सो या गाइस अब जाते हुए मिलती हूँ. हे गाइस, फाइनली हम सब रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं. अब मैं आपको सबको सबका OOTD दिखाऊंगी. पहले गौरी, शी वाज योर OOTD नीचे से ऊपर. दिस इज गुची, दिस इज ज़ारा. एंड योर बैग मैम, Louis Vuitton. This is Bhavna. Nike original. And this is Anjali. The fairy. The Lal Pari. Red headed. Lal Pari. Chhi yaar. Kya hai ye vlog? Vlog. 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 Hi guys. Sab photos lene ki koshish kar rahe hain. Dekh maar raha hoon.
गाइज अब हम सेकंड टैक्सी में बैठ चुके हैं, बच्चा को फर्स्ट से मेरी साइड के बाल इतने अच्छे नहीं कटे, इस साइड के अच्छे कटे। मेरी तबीयत खराब हो रही है अभी अंकल को आंधी तक देखी, कुछ तो बात कर रहे हैं, नशा होता है इसमें डालना। नाउ वी आर इन बस, मार धक्का जोर नहीं है इस लड़की के पास। सांगी की छोटी बहन के साथ गाइस हम लोअर बाजार पहुंच गए हैं, हम सांगी का वेट कर रहे हैं, अभी सांगी और उसकी बहन आ रहे हैं, फिर जाएंगे मूवी देखने। और हमारा 11 बजे का शो तो कैंसिल हो चुका है, अब 12 बजे का देखेंगे। पनीर गाइस वी आर हियर गाइस, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई मूवी। बहुत कान में चुभ रही है। अभी अंजलि बाहर गए कुछ स्नैक्स वगैरह देने, इंटरवल हुआ है, उसके बाद देखते हैं फिर से। तुम लोग ये देखो यहाँ पे कुछ है जन्माष्टमी का, गाइस पान पैक हो रहा है, नॉट फॉर अस ऑफ कोर्स। गाइस यहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग हुई है तो हम यहाँ आए हैं अभी। क्या तुम लंगूर को देख रहे हो? लंगूर है उधर, रहेगा लंगूर। नाउ वी आर गोइंग म्यूजियम। ये लाइट्स के लिए है, तो कितना कूल है। ये नहीं होता बंद क्या? बच्ची को फोटो लेना सिखा रहे हैं हमारे ग्रुप फोटो के लिए। Saying to Bubu again to click pictures. Hello Bubu. Bad aunties. Bubu bad aunties. गाइज अभी हम टनल से जा रहे हैं, यहाँ बहुत शोर है पता नहीं किस चीज़ का, एंड अभी हम बहुत लेट हो गए थे, हम भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं। जहाँ पे हम लोग ना गए थे वहाँ पे हमने थोड़े फोटोज़ वगैरह खिंचाए और बस उसके बाद आ गए हम लोग वहाँ से, और अभी हम भाग रहे हैं लिटरली क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। सो आई एम बैक इन माई रूम एंड आज मज़े तो बहुत आए क्योंकि हमने मूवी देखी, मूवी अच्छी थी, मतलब मूवी अच्छी थी, मूवी का रिव्यू क्या ही दूँ मतलब। Hey guys, so I'm back in my room and क्या बोलूँ, मूवी अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब मुझे तो ठीक लगी, बहुत ज़्यादा फनी है, डरावनी उतनी नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बेखुदा सा शैतान है जो भी है, मतलब उतना डरावना शैतान नहीं है, पर फनी थी, बहुत ज़्यादा फनी थी, मतलब मज़ा आया काफ़ी। ऐसा था कि ऐसा नहीं लगा कि हमने पैसे बर्बाद किए या टाइम वेस्ट किया अपना। एंड उसके बाद हम लोग गए थे ऐसा म्यूजियम जैसा था वो, म्यूजियम में गए थे, फिर हमने वहाँ पे थोड़े फोटोज़ वगैरह लिए, वीडियोस वगैरह बनाई एंड घूमे वहाँ पे पूरे में। वहाँ का मुझे याद नहीं है मैंने वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई, थोड़ी थोड़ी बनाई है शायद, क्योंकि बाहर तो वहाँ पे लंगूर घूम रहा था तो मैंने फ़ोन उतना नहीं खोला, और अंदर की तो मैंने थोड़ी थोड़ी बनाई थी,
तो मैं वो दिखा दूंगी। एंड आज मैंने कुछ नहीं लिया ज़्यादा, आज मैंने एक ये लिया कि ये मुझे बहुत क्यूट लगा। रुक, इसमें बहुत ऐसे रंग बिरंगे रबर्स है, ब्लैक मेरे पास थे ऑलरेडी तो मैंने सोचा थोड़े ये ले लेती हूँ, कई बार हेयर स्टाइल वगैरह करने को आ जाएंगे। एंड ये ऐसे बैग में, छोटे से पर्स में है, सो क्यूट। एंड बाकी बस मैं बहुत सारी स्मूदीज लेके आई हूँ, बहुत सारी, मतलब क्योंकि आई एम ऑब्सेस्ड विद दीज स्मूदीज एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। मैं इतना ज़्यादा पी रही हूँ ना इन स्मूदीज को, मैं लिटरली अभी पिछले परसों 100 की 10 लेके आई थी, मतलब ये 10-10 वाली है ना, 100 की 10 लेके आई थी और मैंने अभी 2 बचे मेरे पास, बाकी मैं सारी खा चुकी हूँ, सारी पी चुकी हूँ, सॉरी। सो या ऐसा ही गया हमारा आज का दिन, और आते हुए हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि हमें म्यूज़ियम में ही 3 कुछ बज गए थे। एंड उसके बाद हमने वो पान पैक कराया था सांगी की आंटी के लिए, तो सांगी चली गई है वापस एंड हम 4 आ गए अपने हॉस्टल वापस। एंड हम लोग इतना भाग के आए ना क्योंकि 5 बजने वाले थे और मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लिटरली भाग ही रहे थे। बीच में पेस्ट्रीज वगैरह पैक कराई भावना उन्होंने, एंड दैट्स इट। एंड मुझे अदिति से मिलना था, मैं वो भी नहीं मिल पाई क्योंकि हम लेट ही इतना हो गए थे ना। अब क्या ही बोलूँ, शिट यार अभी। ओके गाइज, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन गिवन बिलो सो यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट व्लॉग, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सून। बाय बाय।